ए फ्रेंड्स, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इंसान को जितनी अधिक भूख लगती है, उसके विचार उतने ही अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। उस प्रकार उसकी भोजन की संवेदना भी नष्ट हो जाती है। तरकात को ऐसा ही लग रहा था। पिछले दो दिन में दो अंजीर के अलावा उसके पेट में कुछ भी नहीं गया था। वो अंजीर एक बगीचे के बाहर लटकने वाले पेड़ से चुरा के खाए थे और उसकी मालकिन ने तरकात को वहां से भगाया था। इसलिए बाजार में फल बेचने वाली औरत की टोकरी में से फल चुरा के खाने की हिम्मत उसे नहीं हुई। बाजार से निकलकर वो धर्मशाला की ओर मुड़ गया और भोजनालय के बगल में टहलने लगा। उसे ऐसी आशा थी कि शायद कोई मिल जाए और उससे तांबे का सिक्का उधार लेकर पेट भरने लायक कुछ खा सकूं। भूखी अवस्था में वो वहां पर टहल रहा था। अचानक उसके सामने दबा सिर आया। उस ऊंट के व्यापारी के सामने जाने की चाह नहीं थी, उल्टा उसे कैसे टाल सकता हूँ, ये वो सोच रहा था। तरकाद ने निर्धन अवस्था में अपने अनेक दोस्तों से धन उधार लिया था। उनमें से दबासिर उसके सामने आता है तो वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि उससे लिए हुए धन की वापसी तरकाद ने अभी तक नहीं की थी। हर बार वह दबासिर को आश्वासन देता था, लेकिन उसने कभी अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। तरकाद को देखने के बाद दबासिर के चेहरे पर हास्य आया और उसने कहा, अरे वाह तरकाद, मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? एक महीना पहले दिए हुए तांबे के सिक्के वापस मिलने की राह देख रहा हूँ। उसके पहले भी मैंने चांदी का एक सिक्का दिया था, वो भी बाकी है। अच्छा हुआ तुम मिल गए। चलो तांबे के दो सिक्के मुझे वापस दो, उन सिक्कों से मैं यहाँ भोजन कर सकता हूँ। तुम दे रहे हो ना, या आज भी कोई बहाना बताने वाले हो? तरकाद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। भूखे पेट दबासिर से बहस करना भी उसके लिए संभव नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ करो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। दबासिर ने ऊंची आवाज में कहा, तुम कहीं से भी लेकर आओ, मैं नहीं जानता। जो इंसान अपना वादा पूरा नहीं करते, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे दोस्त के बेटे होने के नाते मैंने तुम्हें सिक्के उधार दिए थे, अगर तुमने वापस नहीं किए तो तुम जानते हो मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। बदनसीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, नहीं तो मैं तुम्हारा कर्ज वापस कर देता। सचमुच मेरे पास कुछ भी नहीं है, तरकाद ने कहा। बदनसीबी, जब धन वापस करने की बात आती है तो सबको अपनी बदनसीबी याद आती है। अपने गलतियों के लिए नसीब को दोष मत दो। जो लोग कर्ज की वापसी नहीं करते हैं, उनके पीछे बदनसीबी हाथ धोकर पड़ जाती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। चलो मेरे साथ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। डरते हुए तरकाद दबासिर के साथ भोजनालय में गया, ये सोचकर कि शायद दबासिर को दया आ जाए और मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। भोजनालय के मालिक से दबासिर ने कहा, मेरे लिए पाव और बहुत सारी सब्जियाँ लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, और इस तरकाद के लिए बड़े प्याले में पानी लेकर आओ। तरकाद को बहुत बुरा लगा, सोचा कि ये मेरे सामने बैठकर इतना कुछ खाएगा और मैं सिर्फ पानी पीऊंगा। लेकिन गुस्से को पीकर ठंडा पानी उसने पी लिया। पानी पीने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली। दबासिर ने कहा, आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी से तुम्हें पता चल जाएगा कि यह दुनिया कैसी है। तरकाद को भूख सहन नहीं हो रही थी, लेकिन कहानी सुनना उसकी मजबूरी थी। दबासिर ने कहा, मैं ऊंट का व्यापारी कैसे बना, उसकी हकीकत मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि एक समय में मैं सीरिया में रहने वाला एक गुलाम था। दबासिर हंसते हंसते कहने लगा, ये उस वक्त की बात है जब मैं छोटा था। मेरे पिताजी ऊंट घोड़े देखभाल करने का काम करते थे, उनके साथ मैंने भी वो काम सीख लिया। मैं पिताजी के काम में उनकी मदद करने लगा। जल्द ही उन्होंने मेरी शादी कर दी। मुझे अपने काम के लिए ज्यादा धन नहीं मिलता था, लेकिन मुझे आकर्षक वस्तु का बहुत शौक था। मैं लोगों से उधार लेकर वो चीजें खरीदता था, लेकिन अपने उत्पन्न से ज्यादा खर्च करने पर इंसान हमेशा मुश्किल में पड़ जाता है, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। कुछ दिनों तक सब सही चल रहा था, फिर एक के बाद एक सब लोग मुझसे कर्ज वापस मांगने के लिए आने लगे और मेरी अवस्था बुरी होने लगी। मैंने अपने दोस्तों से भी कर्ज लिया था, लेकिन उसकी वापसी नहीं कर पाया। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर उसके पिता के घर चली गई और मैंने भी बेबीलोन छोड़ने का फैसला किया। मैंने 2 साल बुरे हालत में बिताए, ऊंट के व्यापारियों के साथ काम करने लगा। एक दिन रेगिस्तान में डाका डालने वाले टोली ने हमारे काफिले पर हमला किया।
और मुझे बद्दी बनाकर लेकर गए और अपने साथ शामिल कर लिया। उन्होंने मुझसे काम करवाया। उनके साथ रहते रहते मैं भी उनके जैसा ही बन गया। मैं भी उनकी तरह रेगिस्तान से यात्रा करने वाले लोगों को लूटने लगा। दिन प्रतिदिन मेरा पतन हो रहा था और मैं खाई में गिर रहा था, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आया। व्यापारियों से लूटी हुई सारी चीजें हमने खर्च कर दी। एक दिन व्यापारी ने स्थानीय टोली वाले लोगों को पैसे दिए थे। जब हमने उस व्यापारी को लूटने का प्रयत्न किया तो उस टोली ने हम पर हमला किया और हम 7 लोगों को बंदी बना लिया। हमारी बहुत बेइज्जती की गई और गुलाम कहकर हमें बाजार में बेच दिया गया। आगे सीरिया रेगिस्तान की एक टोली के मुखिया ने मुझे खरीद लिया, मेरे सर के बाल निकाल दिए और घसीटते हुए लेकर गए। एक दिन उस मुखिया को अपने बीमार माँ से मिलने जाना था तो मुझे अपने साथ ले गया। रास्ते में मैंने उसके ऊंट की अच्छी देखभाल की तो मुझ पर खुश हो गया। उसने मुझ पर दया करके एक ऊंट के व्यापारी के पास मुझे दे दिया। जब ऊंट के व्यापारी को पता चला कि मुझे ऊंट की अच्छी जानकारी है और मैं बेबीलोन का रहवासी हूँ, तो उसने मुझे अपने पास नौकरी के लिए रख लिया। तब जाकर गुलामगिरी से मैं आज़ाद हुआ। मैंने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। 2 साल के अच्छे वर्तन को देखकर उसने एक रिश्तेदार की बेटी से मेरी शादी करवा दी। कर्ज वापस करने के लिए मुझे धन भी दिया और बेबीलोन वापस जाने के लिए कहा। अगर कहा जाए तो मैंने लिया हुआ कर्ज मेरा शत्रु था। उस कर्ज की वजह से मेरी ये अवस्था हुई थी, लेकिन अब मैं समझदार बन चुका था। बेबीलोन में पहुंचकर मैंने अपना सारा कर्ज वापस कर दिया और ऊंट का व्यापार ईमानदारी से करने लगा। कहानी खत्म करते ही दबासे ने अपना मोर्चा तरकात की ओर मोड़ दिया। तुम्हें देखकर मुझे अपने भूतकाल की याद आती है। तुम्हारी हालत भी ऐसी ना हो ऐसा मुझे लगता है। तुम आज से ही मेरे पास काम के लिए आ जाओ। तुम्हारे काम के लिए मैं तुम्हें धन भी दूंगा। अगर ये मान्य नहीं है तो मैं तुम्हें गुलाम के रूप में खरीद लूंगा। और अगले ही पल तरकाद ने दबासिर के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारे व्यापार में तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे सुधरने का एक मौका दो। दबासिर ने कहा, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। तरकाद की आंखों में आंसू आ गए और अगले ही पल दबासिर ने तरकाद के लिए भोजन की थाली मंगाई और उस दिन तरकाद ने समाधान से खाना खाया। दबासिर की कहानी यही खत्म हो गई। गलती इंसान से होती है, जो गलती करता है वो इंसान है, लेकिन जो अपनी गलती को सुधारता है जिससे पश्चाताप होता है, और जिसे अपनी गलती सुधारने की और अच्छी जिंदगी जीने की इच्छा है उसे योग्य मार्ग मिल ही जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट्स करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।